इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि मोरहाना की एंगेजमेंट हो रही थी। विश्वास हो रहा है? नहीं ना, चलो आओ देखें। इधर इन तीनों का मेन कॉम्पिटिशन अगले दिन होने वाला है और जेन काफी नर्वस फील कर रही, लेकिन यान है ना, उसने उसे संभाल लिया और जुंगो किम के साथ वही बैठ गया कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने। यून जुंगो को ऐसा देख बहुत खुश थी। फिर उसे रियलाइज हुआ ये दोनों उसी की तरफ देख रहे हैं, तो वो जल्दी से जुंगो को बेस्ट ऑफ लक कह वहां से चली गई। अगली सुबह कॉम्पिटिशन होने के बाद हमें पता चला जेन ने फर्स्ट रैंक लाई। जुंगो सबको एक जगह लेकर जाना चाहता था, कहा कुछ पता नहीं। फिर जिस जगह से ये सब अंदर आए, सबका हुलिया 90s के जमाने का हो गया और उनका पहला टास्क उन्हें यहाँ 90s वाले रोल को प्ले करके एक मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। चलो हम भी जरा कैरेक्टर में आए। ओके, ये समय 1932 का है, जहाँ मिस्टर जुयांग जो बहुत ही वेल्दी इंसान थे वो गुजर गए हैं, तो उनकी पूरी विल किसी ना किसी को तो मिलेगी ही। इसी वजह से उनके बटलर ने उनके जो भी जान पहचान वाले थे उन सबको बुलाया। जो है जुंगो बना मिस्टर जुआंग का दूर का नेफ्यू, यून उनकी अडॉप्टेड डॉटर, जिन उनकी पर्सनल नर्स और यान उनका डॉक्टर, और किम मिस्टर जुआंग के बेटे की तरह था, है ना, वो कुछ नहीं बनी। और ऑब्वियसली ये है मिस्टर जुआंग के बटलर। उन्होंने बताया यहाँ है एक ट्विस्ट, मिस्टर जुआंग की आंखें मरने के वक्त खुली थी, ये साइन है कि उनकी कोई विश अधूरी है। और थोड़ी देर पहले जुंगो मर चुका क्योंकि मेंशन में घूमते घूमते उस पर हमला हुआ था बिना कुछ टच करे। फिर भी ये पागल ने थोड़ा सा गेम स्पॉइल ही कर दिया कि ये वही गेम है ना, मिस्टर जुआंग का मर्डर को ढूंढना पड़ता, इससे पजल सॉल्व होगा। तभी किम ने थोड़ा सा सोचकर कहा, मुझे पता है मर्डरर कौन है, इससे सब हैरान, वो है यान मतलब डॉक्टर। रही बात एविडेंसेस की, यान ने बड़े ही होशियारी से सारे एविडेंसेस साफ कर दिए। साथ ही यून कोई मिस्टर जुआंग की अडॉप्टेड डॉटर नहीं, यान उसे प्यार करता, प्लस वो उसके लिए एक बकरे की तरह है, बकरा बकरी जो भी आप कहो, जिससे उस पर कोई शक नहीं करेगा। रही बात एविडेंसेस की, जो है जेन के पास मतलब यान की नर्स, लेकिन वो यान से प्यार करती है इसलिए उसने सब एविडेंसेस को छुपा के रखे। और ये जेन वाला पार्ट ईस्टर एग की तरह था जो स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन किम ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था और वो बहुत ही एक्यूरेट है, और उसने जल्दी ही इतनी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर। लेकिन कैसे, रुको जरा, दूसरा ट्विस्ट ये है कि वो मिस्टर जुयान का रीइंकार्नेशन था। और रुको, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है दूसरा ईस्टर एग, मिस्टर जुआंग के प्रीवियस लाइफ की अधूरी एंगेजमेंट, जिसके साथ उनकी एंगेजमेंट होने वाली वो है हैना। फिर किम ने एक बहुत ही बड़ा राज बताया कि उसे कोई भी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद वगैरह नहीं, उसने ये सब बस किलर को ढूंढने के लिए किया। और रही बात हैना की, मिस्टर जुआंग जिससे प्यार करते थे वो बिल्कुल हैना की तरह ही दिखती है। इन बातों से हैना को लगने लगा कहीं ये दोबारा बुरा तो नहीं बन रहा, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि वो एक्टिंग कर रहा है या सच में। रिंग पहनाने के बाद समय आया किस करने का, हैना झिझकने लगी। यही देख किम ने उसे लिप्स पर किस नहीं किया, हेड पर किया। फिर बाद में दूसरा गेम शुरू हुआ जिसमें सबकी आंखें बंद रहेगी और उसमें से एक किलर रहेगा जिसको किसी भी एक का मर्डर करके बाकी लोगों को वो मर्डर कौन है ये गेस करना पड़ता। और पहले ही इसमें सब लोगों ने किम की तरफ उंगली की कि हाँ यही है किलर, जो सही भी था। बाद में तीसरे गेम की शुरुआत हुई, मतलब हॉन्टिंग हाउस। वहां जुंगो ऐसा दिखा रहा था वो डरता बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे ही ऊपर से स्केलेटन गिरा इसकी हार्ट बीट रुकते रुकते बची। और देखो देखो किम ने सिचुएशन का कैसा पूरा फायदा उठाया, वो डरने का नाटक करने लगा और उसने हैना को चिपक कर कहा मुझे प्लीज प्रोटेक्ट करना। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इधर ये दोनों भी ना यहाँ भी इस स्केलेटन को एग्जामिन करने लगे, हाँ इसकी एक बोन छोटी है वगैरह वगैरह। अगले वाले सीन में तो इतना मजा आया, ये दोनों टाइटन को भी एग्जामिन करने लगे। इससे उस लड़के ने जॉब ही छोड़ दी क्योंकि उससे कोई डर ही नहीं रहा, मतलब ये डॉक्टर्स भी ना। दूसरी इधर जुंगो जो डर के भागा और सीधा उसने यून को कसकर पकड़ लिया, इससे कुछ हुआ ना हो लेकिन उसे बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने देखा हॉन्टिंग हाउस के बाहर यान और जेन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर निकले। अगली सुबह पता नहीं क्यों हैना एंगेजमेंट वाले सीन को याद करके मुस्कुराने लगी किम के तरफ देख, लेकिन किम को गलतफहमी ऐसी हुई, उसे लगा हैना यान को देखकर मुस्कुरा रही,
पार्क में योन जुंगो के पास आई उसे देखने के लिए। दोनों की थोड़ी फनी बातें के आखिर में जुंगो ने कहा, चलो जाने दो, आखिर में हम तो दोस्त ही हैं। लेकिन वो जुंगो से दोस्ती नहीं करनी चाहती। पता है जुंगो ने क्या कहा, फिर मैं तुम्हारा भाई बन जाता हूँ जैसे कि किम और मैं हूँ। लेकिन योन का मन ऐसा कर रहा था कि वो उसे कुछ उठाकर उसका सर फोड़ दे, बट जुंगो यही नहीं रुका। उसने कहा, मुझे पता चल गया, आखिर जिनको मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ पढ़ाई को। फिर जो योन वहां से गुस्से से चली गई। यान कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए उसने किम को अपने साथ बास्केटबॉल खेलने लेकर आया। किम जानना चाहता वो क्या किसी को पसंद करता है। यान ने मजाक में बस इतना कहा, वो लड़की है ना है। तो किम के चेहरे के रंग उतर गए थे, जो ऑब्वियसली सच नहीं है। यान ने कहा, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को इतना लाइक करते हो, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आ जाते। ये सुन किम को बहुत हद तक ये लगा कि हैना उससे प्यार करती है। फिर किम घर पे आया और हैना को वो बहुत ही अटेंशन देते, उसने सडनली हैना को किस करा। हैना पूरी शॉक, वो जल्दी से जल्दी अपने कपड़े पैक करने लगी और वो कह रही थी, मैं अपने ही विलन कैरेक्टर से प्यार कर बैठी, आखिर ये मेरे साथ क्या चल रहा। और रुको तो जरा, वो ये भी सोचने लगी, ऐसे तो वो ग्रेजुएशन से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, तो एक सेकेंड, क्या बेबी 2D हो गए या 3D में हो गए। डोंट टेल मी वो कार्डबोर्ड की शक्ल में आएगी। फिर उसे रियलाइज हुआ, ओ शिट, ये उसे अभी सोचना नहीं चाहिए। हैना इतनी रात को बारिश में ही निकल पड़ी, तभी डैड ने उसे पिकअप करा और जैसे ही उन्हें पता चला किसी लड़के की वजह से उनकी बेटी को इतनी रात पानी में निकलना पड़ा और वो उसे पिकअप करने आया भी नहीं, वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। और बाय द वे उन्हें नहीं पता कि वो लड़का किम है। इसी गुस्से गुस्से में उनका एक्सीडेंट बस होने ही वाला था और हमने देखा डैड को तभी कुछ रियलाइज हुआ, शायद पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है। और डैड कहने लगे, जो तुम्हारे साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करके ही रहूं। इसका क्लियर मीनिंग हमें आगे आगे पता चलेगा। और अगली सुबह किम पूरा शांत, बस दिन भर से ये कैंस को ही देखने लगा, मतलब बहुत ही वो कैसे का कैसा हो गया बेचारा। और इस एपिसोड में इतना ही, सो अगले वाला एपिसोड जल्दी ही आएगा। और एक छोटा सा मैसेज, अगले से जो भी सीरीज आएगी वो मेनली मिस्ट्री थ्रिलर या रोमांस, इन मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगी, क्योंकि ये रोमांस रोमांस वाला इतना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने एक ट्राई करके देखा और रिस्पॉन्स इतना भी अच्छा नहीं है जितना मुझे थ्रिलर और मिस्ट्री में आता। सो सपोर्ट जरूर करना मुझे, तब तक के लिए बाय बाय।